संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज आपका न्यू चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है? रेशनल नंबर्स। कौन सा? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के बारे में आप सभी बच्चे पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इनको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि ऐसे नंबर्स जिनको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। क्या डिफाइन किया था कि ऐसे नंबर्स जिनको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। ऐसे नंबर्स जिनको पी अपान क्यू, ये पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब क्या था कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो। और इसी में से पढ़ा था आपने पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। तो देखते हैं कुछ टर्म्स यहाँ पर गिवन है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। तो यहाँ पहला पॉइंट आपको बताया गया कि रेशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। क्या बताया गया कि सारे इंटीजर्स एंड सारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ नेचुरल नंबर। क्या बताया गया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। आगे आपको क्या बताया गया कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। देखिए जीरो को लिखा जा सकता है ना, जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन माइनस वन, ठीक। तो जीरो ऑल्सो इज अ रेशनल नंबर। आगे हम बढ़ेंगे आगे पॉइंट्स में, तो बताया गया एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इंटीजर्स। तो ये भी बताया गया कि जितने सारे इंटीजर्स हैं वो सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। और एवरी फ्रैक्शन, सारे फ्रैक्शंस क्या हैं? रेशनल नंबर। तो जी हाँ बच्चों, यदि रेशनल नंबर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स होते हैं। और जीरो कोई पूछता है क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो जी हाँ जीरो भी एक रेशनल नंबर है। आगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड निगेटिव रेशनल नंबर्स आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि वो सारे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों सेम साइन के हों, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। देखो लिखा हुआ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपसे ये बताया जा रहा है कि आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं यदि दोनों सेम साइन के हैं तो आपका रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा, और इसी का जस्ट अपोजिट यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निगेटिव हैं, अपोजिट साइन के हैं, मीन्स एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो रेशनल नंबर्स निगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये आप लास्ट ईयर्स भी पढ़ चुके होंगे, पढ़ा होगा रेशनल नंबर्स के बारे में। और यहाँ जितने भी पॉइंट्स मैंने इंडिकेट किए हैं, बताया है, पढ़ा है, समझाया है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप सभी बच्चे पहले रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज आपकी जो 4.1 है, जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स इज निगेटिव। तो अभी आपने पढ़ा था कि वो सारे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपोजिट साइन का होता है, तो यहाँ तो सेम साइन है, यहाँ भी सेम। तो अब यहाँ देख रहे हो ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। कैसे हैं? अपोजिट साइन, सेक्शन सी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ, तो सेक्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ द रेशनल नंबर्स पी अपान माइनस क्यू। अब आप क्या देख रहे हो कि पी पॉजिटिव है और क्यू आपका क्या है? निगेटिव है। तो इस तरीके से रेशनल नंबर आपका क्या होगा? आप समझ गए होंगे ये दोनों अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होने का मतलब क्या हो गया कि ये रेशनल नंबर्स कैसा होगा? निगेटिव रेशनल नंबर्स होगा। कैसा होगा? निगेटिव। तो निगेटिव वाले में टिक कर देना। नेक्स्ट इफ -15/17 इज अ रेशनल नंबर देन अ रेशनल नंबर विल डिनोमिनेटर इज। अब क्या बताया जा रहा है? -15 और 17। तो कंपेयर जब आप कराओगे तो देखिए 17 3 जा और 15 3 जा, यही कंपेयर हो रहा है ना।
सेवनटीन थ्री जा फिफ्टीन थ्री जा थ्री से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब आप आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फोर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन रेशनल नंबर्स 36 अपॉन 81 इज रिटेन विद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 72। अब न्यूमरेटर आपको 72 लिखना है, तब डिनोमिनेटर क्या होगा? ये आप कुछ इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। देखिए जरा ध्यान से, 36 अपॉन 81 इज इक्वल टू 72 आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर लेट कर लो, लेट डिनोमिनेटर बी एक्स मान लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे कर लो, देखो वन जा और ये हो गया टू जा, तो एक्स इज इक्वल टू 81 इंटू टू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 162। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 162 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द अदर्स। अब ये देखो 48 अपॉन 56 क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 7 के बराबर, ये भी 6 अपॉन 7। अब ये 6 अपॉन 7 लिखा है लेकिन ये निगेटिव में लिखा है, मीन्स ये इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जहाँ लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो बताया गया इफ ए अपॉन बी इज आर रेशनल नंबर्स देन एम ए एम इंटू बी विल बी ए अपान बी, ए अपान बी के क्या होगा, ये इक्विवेलेंट होंगे, क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट। ठीक, आप देख सकते हो ए अपान बी, अब एम एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए अपान बी, ए अपान बी। एवरी इंटीजर इन नेगेटिव रेशनल नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एवरी निगेटिव इंटीजर्स क्या है, यहाँ आप क्या लिख दोगे निगेटिव इंटीजर इज अ निगेटिव रेशनल नंबर्स हो गया। अब ऑल आर, अब ये किस टाइप के इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं, पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अब सेम साइन के ये भी पॉजिटिव है, सेम साइन वाले क्या होते हैं पॉजिटिव, तो सारे रेशनल नंबर्स सेम साइन के इसलिए सारे क्या हो गए पॉजिटिव, क्या हो गए पॉजिटिव। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर्स इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो वो आप सभी बच्चों को पता है क्या है, जीरो, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। द नंबर लाइक पी अपॉन माइनस आर इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट आ, क्या बताया जा रहा है कि ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये एक फ्रैक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा फ्रैक्शन नहीं होगा। तो अब चले हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टी राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पर आप सभी बच्चों को ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या बताया जा रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो अभी जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, पॉइंट्स हम आपको बता रहे थे, तो उसमें बताया गया था कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं लेकिन ऑल रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा फॉल्स। जीरो इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये भी गलत बोल रहा है क्योंकि जीरो अभी आपने पढ़ा था कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर होता है। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो ये तो बात सही है, आपने पढ़ा था कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर्स, ये भी बात ट्रू है क्योंकि ये भी आपने पढ़ा था कि सारे फ्रैक्शन जो हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो माइनस एट अपॉन 26 इज इक्वल 4 अपॉन 13। अब आप देख लीजिए 2, 4 जा ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या होगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आप देख कह रहे हो कि एक माइनस में है और दो प्लस में है, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ फॉल्स लिख दोगे। तो इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज का जो 4.1 पढ़ रहे थे उसका सेक्शन ए बी एंड सी पार्ट फिनिश हो गया। अब जो डी है, डी पार्ट जहाँ पे लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस,
इसको आप सभी बच्चे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप एक्सरसाइज 4.1 के टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।